हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस क्लिक पे। मैं हूं आपके साथ सुनील कुड़ियाल। पहले हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था बहुविकल्पीय प्रश्नों को, और आज हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का डिस्कस करेंगे जो कि एक नंबर के हैं। जैसे कि आपको पता है, हम हल कर रहे हैं परिषदीय परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र विषय विज्ञान कक्षा 10 का। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे पास 6 नंबर के आए थे। अब नंबरी है 1 नंबरों के प्रश्न की, जिसमें हमें एक लाइन का आंसर या एक शब्द के रूप में हो सकता है, एक लाइन के रूप में हो सकता है, वो लिखना होता है। उससे ज्यादा हमें आंसर नहीं लिखना होता है क्योंकि वो 1 नंबर का है। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, द्विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। इसमें पूछा गया था कि आपको द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उसका उदाहरण देना है, डेफिनेशन नहीं लिखनी है, ओनली उसका एग्जाम्पल लिखना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या था, सोडियम सल्फेट जब अभिक्रिया करता है बेरियम क्लोराइड से तो वो बनाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये कैसे बना? आपको पता है कि द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान या आयनों की अदला बदली कौन करते हैं, ये अभिकारक करते हैं। आपको पता है कि इस तीर के इस तरफ के जो यौगिक होते हैं वो अभिकारक होते हैं, जो इस तरफ होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। अभिकारक में क्या है, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। अब क्या होता है, सोडियम यहां से उठ के क्लोरीन के साथ मिल जाता है और बेरियम यहां से निकल के सल्फेट के साथ ऐड हो जाता है। मतलब ये जो यौगिक है दोनों, ये अपनों के आयनों के क्या कर रही है, अदला बदली कर रही है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। इसे ही द्विस्थापन कहते हैं, क्योंकि विस्थापन कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। एक बार यहां से यहां हो रहा है, फिर दूसरी बार यहां से यहां हो रहा है, इसलिए इसको द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन था, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? हमें गोलीय दर्पण की फोकस दूरी निकालनी थी, और जबकि उसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है। सबसे पहले हमको इनके बीच में संबंध पता होना चाहिए, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है। बेटा फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है। और इसका फॉर्मूला क्या है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। वही हमने यहाँ पे लिखा है, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। अब हमें वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, आर दे रखी है। तो आर हमें पता है कितना है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 12.5 सेंटीमीटर होगी। अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन आता है, जो पेपर का चौथा क्वेश्चन है और 1 नंबर में लिखने वाला तीसरा क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन की किन्हीं 2 युक्तियों का नाम उल्लेख कीजिए। मतलब गर्भ निरोधन कि कौन सी 2 मेथड हैं जिससे गर्भ का धारण रोका जा सकता है, उनका नाम लिखना था। सिर्फ नाम लिखना है, उनके बारे में नहीं लिखना है। गर्भ निरोधन का मतलब आप समझते हो कि प्रेगनेंसी को रोकना, ये आप समझ सकते हो। इनकी 2 विधियां क्या थी बच्चों, कॉपर टी और गर्भ निरोधक गोलियां। इन दोनों गोलियों का उपयोग, इन दोनों विधियों का उपयोग महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या था, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, मतलब 2 चुंबकीय क्षेत्र आए एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। 1 नंबर का है भी, तो इसका आंसर भी 1 लाइन का है, प्रतिच्छेद बिंदु पर 2 दिशाएं, प्रतिच्छेद बिंदु पर 2 दिशाएं संभव नहीं है। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब होता है कटान बिंदु। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपको पता है, जैसे ये मैग्नेट है, मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। जब हम इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो ऐसे खींचते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या काट रही हैं, नहीं काट रही। ये जो 1 2 3 हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची है, तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, नहीं काट रही है, क्योंकि इसमें अगर काटती हैं तो 2 दिशाएं बनेगी। कैसे बनेगी, इसको इससे भी समझ सकते हैं। माना एक मैग्नेट ये है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है।
एक चुंबक के क्षेत्र रेखा ये है, एक हमने यहां से इस तरफ खींच ली, तो यहां पे क्या गया, एक रेखा ने दूसरी रेखा को काट दिया। अगर एक रेखा ने दूसरी रेखा को काट दिया तो इसके मतलब कितनी दिशाएं हो गई, एक दिशा तो हो गई इस तरफ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की, और एक दिशा हो गई इस तरफ, जो कि संभव नहीं है। जो एक्चुअल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है बच्चों, हमेशा ऐसी बनती है, एक दूसरे को नहीं काटती। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब ये कटान बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, एक दिशा ये वाली, एक दिशा ये वाली। इसलिए क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थों का आपने एक एक उदाहरण देना था, तो आंसर क्या है, ये भी एक नंबर का है, तो आपने सिर्फ क्या लिखना है, उदाहरण लिखना है, परिभाषा नहीं लिखनी है। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल है आपका कागज, और अजैव निम्नीकरण का उदाहरण है आपका प्लास्टिक। इसके और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, कागज, लकड़ी, गोबर, पत्तियां आदि। और अजैव निम्नीकरण के क्या हो सकते हैं, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, धातुएं हो गई। जैसे आपको पता है जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, जो प्रकृति में आसानी से नष्ट हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, और जो आसानी से नष्ट नहीं होते हैं उन्हें अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, आपका कांच हो गया, और धातुएं हो गई। और बच्चों अगर आप चाहते हो इस वीडियो से अन्य छात्रों को भी लाभ पहुंचे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे कि उनके बोर्ड के काम में आ जाए।